नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। वहो विश्वामित्री से जुड़े हुए कार्य कर आज जिला कलेक्टर कचहरी पहुंचे हैं। दरअसल विश्वामित्री नदी के शुद्धिकरण के लिए वहो विश्वामित्री से जुड़े हुए लोगों की ओर से पैदल यात्रा की शुरुआत पावागढ़ से की गई थी, जिसके बाद ये सभी आज बड़ोदरा पहुंचे। उसी के तहत जिला कलेक्टर कचहरी पहुंचे और वहां पर आवेदन पत्र देते हुए इन सभी की ओर से विश्वामित्री नदी की शुद्धिकरण की मांग को साझा किया गया। जो जानकारी है उसके मुताबिक विश्वामित्री नदी काफ़ी ज़्यादा गंदगी से भर गई है, जिसके चलते पर्यावरण प्रेमी चिंतित है। वहो विश्वामित्री के तहत विश्वामित्री शुद्धिकरण अभियान चलाया जा रहा है, उसी के चलते ये कार्यकर पावागढ़ से पैदल यात्रा पर निकले हैं। ऐसे में आज जब ये पर्यावरण प्रेमी बड़ोदरा पहुंचे, तब जिला कलेक्टर कचहरी पहुंचकर हाथ में पोस्टर लिए इन सभी की ओर से विरोध जताया गया और फिर जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र देते हुए विश्वामित्री नदी के शुद्धिकरण की मांग को साझा किया गया। हमें पावागढ़ महाशक्ति पीठ थी, एटले के पावागढ़माथी निकलती विश्वामित्रीना उद्गम स्थान थी अमारी पदयात्रा 26 फेब्रुआरी शुरू थई छे। त्यांथी अमे हालोल आव्या, हालोल में 1000 बाळको अमारी साथे जोड़ाया। त्यार पछी अमे राजपुरा में गया तो गामडामां वसता लोकोए अमारुं खूब स्वागत कर्युं। एमने अमे यज्ञ ने योगनी साथे नदी केम शुद्ध थाय एना विशेनी घणी सुंदर माहिती आपी, एमने पण अमारी जोड़े सारो संवाद कर्यो। त्यार पछी अमे पालड़ी विवेक केन्द्र छे एमां आव्या, जरोद आव्या, कष्टभंजन हनुमानदेव मंदिर थी आजे अमे मेयरनी ऑफिस में सिग्नेचर कैम्पेननुं आवेदन पत्र आप्युं। त्यार पछी अमे म्युनिसिपल कमिश्नर ने मळ्या, एमने पण अमने कीधुं के आ काम बहु सुंदर छे, अमे तमने अभिनंदन आपीए छीए। पण एमनो एक वात छे कि आ जन जन सुधी एटले गामडाओना दरेक नागरिको आमां सहयोग आपे, शहेरना दरेक नागरिको आमां साथ सहकार आपशे तो नदी ने साफ राखवी वधारे सहेली बनशे। अमारी पदयात्रा आजे अहींया संतराम मंदिर रोकाशे। सांजना अमारा खास संजयभाई सोनीए खूब सुंदर आयोजन कर्युं छे। संतराम मंदिरथी अमे यवतेश्वर घाट जईशुं अने त्यांथी बधा चालीने पाछा अमे रामकृष्ण मिशन जईशुं। आजनो अमारो प्रडाव वडोदरामां छे, आवतीकाले अमे पादरा जईशुं ने परम दिवसे पिंગલવાડા જ્યાં સાગરમાં વિશ્વામિત્રી નદી ભળે છે એ ગામમાં અમે આખી પદયાત્રા ત્યાં પહોંચશે। આજે અમારું ખાસ વડોદરામાં આવવાનું મુખ્ય તાત્પર્ય હતું કે જે શાસકો છે, જે વડોદરાને ચલાવી રહ્યા છે, જેના પાસે લો ઓર્ડરની શક્તિ છે, એમને વિનંતી કરવા આવ્યા છે કે અમે જન નાગરિકો તમને વિનંતી કરીએ છીએ કે તમે અમારી વાત સાંભળો અને વિશ્વામિત્રી નદીને જલ્દીથી જલ્દી જેટલી ત્વરિત થાય એટલી સાફ રાખવા માટે સફાઈ શુદ્ધિ કરવાની પ્રયત્ન કરો અને અમે બધા પણ તમારી સાથે સહયોગ આપવા રાજી છે। રાજુ એમ ઠક્કર। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।